मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल सब पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। दो चलेगा जेल, बाकी बोल रहे सब झूठ। मेरठ के ऋषभ एकेडमी के मौजूदा दौर पर सटीक बैठ रही इस तुबंदी में फर्स्ट बाइट ने खुलासा किया था कि करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति और दुधारी गाय समझी जाने वाली एकेडमी पर काबिज होने के लिए किस तरह शतरंज पर बिसात बिछाने का सिलसिला चल निकला है। बहुत से सफेदपोश लोगों के काले चेहरे जब सामने आए तो एकेडमी व पार्श जिनेन्द्र शिक्षा परिषद व समाज के लोगों में सनसनी फैल गई। बदनामी हुई तो कठपुतली बनाकर पीछे से एकेडमी को संचालित करने वालों ने अजय जैन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजय जैन किस अधिकार से एकेडमी का मुखौटा बना था और किस अधिकार से उसे बाहर कर दिया गया है, यह एक के बाद एक नई चाले चल रहे सफेदपोश तभी जुबान में तो बताते हैं लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं। कारण साफ है, उनका खेल पर्दे के पीछे से बड़े आराम से जो चल रहा है। इन लोगों ने प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज को निलंबित अथवा निष्कासित किए बिना मुकेश चौधरी को प्रधानाचार्य बना दिया। स्वाति नामक महिला के खाते से लगभग 14 लाख रुपए CBSE के खाते में जमा कर दिए गए। एकेडमी में स्वाति नहीं तो टीचर है और न ही मैनेजमेंट में। बकौल CA संजय जैन वह भी उन्हें नहीं जानते हैं। एकेडमी बच्चों के हित के नाम पर यह राशि एकेडमी से जुड़े तमाम लोगों के खाते से जमा कराई जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब स्वाति को आयकर विभाग नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है कि इतनी बड़ी राशि उनके अकाउंट में कैसे आई और किस हैसियत से उन्होंने इसे CBSE को जमा किया। पार्श्व दिनेश शिक्षा परिषद के संस्थापक शरद जैन ने इन सारे घटनाक्रम को नियमों को ताक पर रखते हुए वे अकादमी के संपत्ति को खुदबूत करने की साजिश बताते हुए CBSE बोर्ड संस्था के से जुड़े अजय जैन, डॉक्टर संजय जैन CA, मृदुल जैन को वकील के जरिए नोटिस जारी कर दिए। इस बीच प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज की जमानत हो गई है, वह रिहा होकर के अपने घर भी पहुंच गई है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। एकेडमी के संचालक रंजीत जैन, प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने अजय जैन नामक व्यक्ति को एकेडमी का मुखौटा बनाकर बैठा दिया। एकेडमी संचालन के लिए कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने सहयोग देते हुए 15 लोगों की एक कमेटी बना दी। इसे प्रशासन ने अवैधानिक बता दिया जिस पर राजेंद्र जैन, दिनेश जैन, थापा नगर आदि तमाम लोगों ने इस्तीफे दे दिए लेकिन अजय जैन मौखिक मैनेजर की हैसियत से संस्था पर काबिज हो गया। किस अधिकार से, यह जब फर्स्ट बाइट ने अजय जैन से पूछा तो उसका जवाब था कि अगर वह यानी रिपोर्टर चाहे तो वह भी उनकी जगह बैठ सकता है। फर्स्ट बाइट TV ने सभी जिम्मेदार लोगों से बात की तो नतीजा यह सामने आया। भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल, जोधामल कैलाश चंद जैन ज्वेलर्स के संचालक राजेंद्र जैन ने अपना पल्ला झाड़ दिया। राजेंद्र जैन ने यहां तक कह दिया कि उनका परिवार अब जिंदगी भर संस्था व एकेडमी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा क्योंकि वह इसे लेकर काफी परेशानी मोल ले चुके हैं। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि समिति में राजेंद्र जैन के परिवार के ही सर्वाधिक 30 सदस्य हैं जबकि दूसरे नंबर पर दिनेश जैन है। यानी समिति में कौन होगा, कौन बाहर जाएगा और क्या होगा यह तय करने की पावर सर्राफ राजेंद्र जैन के पास है क्योंकि सर्वाधिक सदस्य उनके परिवार से ही हैं। संजय जैन का यह भी कहना है कि इन लोगों ने नई सदस्यता कभी शुरू भी नहीं की। राजेंद्र जैन पीछे हटने की बात तो करते हैं लेकिन कभी उन्होंने वे उनके परिजनों ने इस्तीफा भी नहीं दिया। अब ताजा घटनाक्रम, 9 अक्टूबर को कुछ लोगों ने मिलकर आम सभा बुलाई। इस आम सभा में दो महत्वपूर्ण व चौंकाने वाले एक उप समिति बनाने संबंधी निर्णय लिए गए। पहला, CA संजय जैन व राजेंद्र जैन के दामाद राजेश जैन अब एकेडमी का संचालन करेंगे। राजेश जैन मुजफ्फरनगर के प्रतिष्ठित लोगों में से एक है। बकौल संजय जैन, इन दोनों लोगों को नए सदस्य बनाने व संपत्ति की खरीद फरोख्त का अधिकार नहीं दिया गया है। अलबत्ता यह निष्कासन की प्रक्रिया अपनाते हुए किसी भी सदस्य को बाहर का रास्ता दिखा सकेंगे। आम सभा में अपने दामाद राजेश जैन को कमान सौंपने के लिए राजेंद्र जैन व दिनेश चंद ने भी भाग लिया। फर्स्ट बाइट में संजय जैन CA, राजेंद्र जैन व दिनेश जैन से आम सभा की प्रोसीडिंग मांगी लेकिन सभी ने वह एक दूसरे पर होने की बात कहते हुए सटा दिया। यानी
सब कुछ हो गया लेकिन पर्दे के पीछे। इससे पहले संस्थापक सदस्य शरद जैन ने अजय जैन, सीए संजय जैन, मृदुल जैन को एक नोटिस 29 सितंबर को देकर पूछा कि वह संचालक संस्था के वैधानिक सदस्य भी नहीं है तो फिर किस अधिकार अथवा किसकी अनुमति से वह विद्यालय पर काबिज है। शरद जैन ने 9 अक्टूबर को कथित आम सभा की जानकारी न देने का भी आरोप लगाया है। फर्स्ट बाइट से शरद जैन ने यह बात की। सर, मैं ऋषभ एकेडमी का जो है फाउंडर मेंबर हूँ 1992 से, और अब जो है पिछले जब ये ऋषभ एकेडमी की जो प्रिंसिपल हैं जब गिरफ्तार हुई उसके बाद, फिर रंजीत जैन गिरफ्तार हुए उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर जो है अवैध कब्जा कर लिया। जब से पूछा गया कि आपको किसने कब्जा दिया तो इन्होंने ये कहा कि हमको सत्यप्रकाश जी ने कब्जा दिलाया गया। बाद में जो है जब सत्यप्रकाश जी से मालूम करा गया तो इन्होंने सत्यप्रकाश जी ने कह दिया कि मैंने इस तरीके की कोई कमेटी नहीं बनाई। उसके बाद फिर ये जो है वहां पे सारी अवैध क्रिया करते रहे कि कभी जो है जो भी मैं टीचरों को वेतन नहीं देना टाइम पे, फिर वहां पे जो है लूट खसोटी उन्होंने जो है करनी चालू कर दी। बच्चों के जो है फीस भी जो है जबरदस्ती गाड़ियों से मंगानी शुरू करी है ना, नहीं तो आपका नाम काट देंगे। वहां पे इन्होंने खूब अवैध कार्य करे हैं। और जो है स्कूल में जब इनसे मालूम करा गया कि भाई ये बच्चों ने कि क्या हमारे स्कूल का भविष्य क्या है, क्या हमारा जो है आप CBSE की वो जमा करेंगे, फॉर्म जमा हो पाएंगे 29 तारीख तक, जबकि CBSE की लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी, 30 सितंबर थी शायद, तो 30 सितंबर तक 29 तारीख तक इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। 29 तारीख को इन्होंने जो है अचानक जो है 14 लाख रुपए जो है स्वाति के अकाउंट में जमा करे और स्वाति के अकाउंट में जमा करके CBSE की फीस जमा कराई। अब ये पता नहीं है कि वो फीस वहां पे जो है स्वीकृत हुए हैं फॉर्म या नहीं हुए। अच्छा, अब क्या है, जब इनसे मैंने 26/9 में एक नोटिस जारी करा तो 26/9 में जो नोटिस पे इन्होंने आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसकी कॉपी मैंने SSP को भी दी थी, जिन्होंने जो है CO सदर को भी फॉरवर्ड करी थी, उसका भी आज तक पता नहीं है कि क्या कार्यवाही हुई इस पर। उसके बाद जब इनको मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर एक नोटिस मैंने अभी जो है 11/10 में जारी करा, उसका भी अभी जो है नोटिस का इंतजार कर रहा हूं। इस स्वाति कौन है? स्वाति की जानकारी नहीं है, पता लगा है विश्वस्त सूत्रों से कि शायद ये जो वहाँ पे अकाउंटेंट का काम देखते हैं विजय खन्ना, उनकी मिसेज का नाम है। ये पैसा कहाँ जमा किया है? ये पैसा हमें नहीं पता कहाँ जमा करा है, हो सकता है कि CBSE में जमा कराओ। अगर CBSE में जमा करना था तो संजय जैन ये CA हैं तो अपने आपको CA का बताते हैं, तो उनको अपने अकाउंट से जमा करने में क्या दिक्कत थी? इनका मकसद ये है कि पहले याचना भारद्वाज को जेल भिजवाया, अब की बात स्वाति को जेल भिजवा दें। अजय जैन ने क्यों नहीं अपने खाते से जमा करा पैसा? ये अभी 9 तारीख को एक आम सभा बुलाई है उन्होंने, उसमें क्या डिसीजन हुआ, क्या आपको जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं 9 तारीख की, और ना ही इन्होंने आज तक हमें कोई सूचना भेजी है कि कौन सी इन्होंने कमेटी बनाई है, क्या बनाया आज तक इन्होंने, जबकि इन्हें पता है सबको कि मैं वहां का फाउंडर मेंबर हूं, आज तक इन्होंने कोई कमेटी नहीं बुलाई, ना इन्होंने कोई सवाल दिया, ना ही इन्होंने कोई सूचना दिया आज तक। अब उसमें सारी जिम्मेदारी संजय जैन CA और राजेश जैन को हाँ जी दी गई है, ऐसे कैसे दे सकते हैं? ये होते कौन है? ये खुद अनऑथराइज्ड है, जब तक इन्हें किसी परमिशन नहीं, इसकी जो सोसाइटी है वो कालातीत है, जब तक कोई इलेक्शन नहीं होंगे तब तक कैसे नियुक्त कर सकते हैं? ये नियुक्ति भी सब अवैध है। तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके तो कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य को स्टेप लेने तो उनको सोसाइटी को रेगुलाइज कराएं, या आप अपनी जितने भी मेंबर्स हैं, फाउंडर्स मेंबर्स हैं, उनको मिलाएं, उनको मिला करके रीइलेक्ट कराएं। ऐसा थोड़ी है कि आप घर में जो है घर घर के सदस्यों को बुला करके जो है उनको जो है 20-20 सदस्य, एक एक इन्होंने राजेंद्र जी ने 20-25 जने अपने आप बना रखे हैं, दिनेश थापानगर वालों ने 20-25 जने बनाए, उनके साइन बना करके कह दिया हमने तो कमेटी वो कर दी। बताइए, आप इनसे पूछिए, मुझे दिखाइए कि कहां इन्होंने किसको सूचना दी है। इन्होंने सब कागज घर पर बैठ कर तैयार कर दिए, फर्जी कागज तैयार करे हैं, और मैं इनको जो है हर हालत में, मैं किसी भी स्टेज पर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे को कितनी भी धमकी आती रहे, मैं किसी स्तर पर भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं जब तक इनका सच्चाई का साथ देता रहूंगा और हमेशा इनके सारे सीओ खड़े थे। राजेंद्र जी जो है यहाँ के आदमी है, इनको जो है पकड़ना इजी हो जाएगा, दिमाग को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, जब तक पुलिस आएगी जब तक दिमाग को भगा देंगे, इसलिए उन्होंने ये चाल चली है कि राजेंद्र जी ने अपने दिमाग को बैठा दिया। आज तक तो राजेंद्र जी दिमाग कभी किसी भी मीटिंग में आए हैं, पूछिए इनसे कभी आज तक 32 साल हो गए कभी आया कोई? 2014 तक जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, पहले जो है इनके ऊपर भी काफी आरोप लगे हैं 1992 से लेकर 2014 तक, स्कूल में दिनेश जी, हरिश्चंद्र जी और राजेंद्र जी के पास था, उस समय भी काफी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते थे बच्चे थे। जब इनका आपसी समझौता हो गया था तो उसमें जो है फिर ये इन्होंने जो है स्कूल को जो है समझौते के दौरान जो है इन्होंने कब्जा छोड़ा था। वे कौन लोग हैं जो अपने निजी दुश्मनी निकालने के लिए स्कूल, बच्चों, संस्था को खत्म करने में लगे हुए हैं? ऋषभ अकादमी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है वो सपोर्ट, कौन है वो सफेद पोस्ट लोग जो सामने नहीं आते लेकिन पीछे से चल रहे हैं अपनी चाले? क्यों प्रधानाचार्य याचना भारद्वाज जमानत के बाद भी रिहा नहीं हो पाई?
क्या और किसने कानूनी दांवपेच लगाकर जमानत में अड़ंगा लगाया था, इसका खुलासा फर्स्ट बाइट पर जल्दी। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।